गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज में एक टॉपिक है अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। अर्बनाइजेशन होता क्या है? जब बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से, जो शहरी क्षेत्रों में अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटी होती है, अच्छे जॉब की जो अवसर मिलते हैं और अच्छी लाइफस्टाइल के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफ़र करते हैं, इसी को ही हम लोग बोलते हैं एक तरह से शहरीकरण। जैसे जैसे लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आते हैं तो वो आकर कहाँ बसते हैं? शहरों या कस्बों में बसते जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे 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 लोगों की संख्या बढ़ती है तो हमें बहुत ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है, जिस पे हम घर, फैक्ट्री और बहुत सारी चीज़ें बनाएं अपनी सुविधा के लिए। इसलिए गरीब परिवार की जो स्थिति होती है घर की, जैसे आप लोगों ने शहरों और कस्बों में देखा होगा कि उनको घर रोड पर साइड में वहाँ पर सोना पड़ता है, उनकी कंडीशन इतनी ख़राब होती है और जगह ना होने की वजह से भी, और बहुत सारे झुग्गी, जो झुग्गी एरिया हैं और भीड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे बहुत अनहेल्थी और अनहाइजीनिक की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, और पानी, भोजन, इलेक्ट्रिसिटी और कार पार्क करने की सुविधा में भी कमी आने लगती है। जो भी जैसे स्कूल, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन, जो भी ये सब एरिया हैं, ये सारे भीड़ वाले एरिया हैं और इसकी वजह से प्रदूषण की समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ सॉयल, जो भूमि की, किसी जगह की भूमि या मिट्टी का संरक्षण और उसके मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए मिट्टी का हम लोगों को पर्याप्त मात्रा और सही से उपयोग करना चाहिए। जैसे सॉयल, जो मृदा अपरदन है, उसको कई तरीकों का यूज करके रोका जा सकता है। जैसे पेड़ को, मतलब बिना मतलब के पेड़ को काटना नहीं चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े तभी उसको काटना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़ता भी है तो आप केवल कुछ ही पेड़ों को काट, एक टाइम में कुछ ही पेड़ों को आप काटें और उसके जगह पे नए पौधे का रोपण करें या नया पौधा लगा दें। नेक्स्ट ट्री, और जो भी पौधा आप लगाते हैं उसको एक रो में लगाना चाहिए, क्योंकि जब भी हवा बहती है और पेड़ रो में लगे हुए होंगे तो हवा का तेज जो बहाव होता है वो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है जिसमें प्रचुर मात्रा में उर्वरता होती है वो उड़ नहीं पाएगा मिट्टी, और एक जगह वो अपनी जगह पे बना रहेगा और उससे मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहेगी, और इससे हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी पानी का ढलान पड़ता है जिससे वहाँ की खेती को नुकसान पहुँचता है, तो उस नुकसान से बचने के लिए समुच्च की खेती नाम का एक तरह का खेती है, वो खेती उस इलाके में किया जाता है जिससे वहाँ के फसल नुकसान ना हो और वहाँ की जो मिट्टी की उर्वरता है वो बनी रहे। नेक्स्ट है फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नवीनकरणीय संसाधन होता है, वो हमारे बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, और एक तरह से सोचा जाए तो ये हमारी राष्ट्रीय संपत्ति भी है। वो हवा को प्यूरिफाई करता है, जो भी प्रदूषण होता है उसको बढ़ने से रोकता है, जलवायु को नियंत्रित करता है, और जो भी बारिश का जो पानी होता है वो तेज क्यों बह, उस जो भी पानी तेज बहता है उसको भी वो कम करता है, बाढ़ आने से भी रोकता है और मिट्टी के अपरदन को भी रोकता है, और इस प्रकार उसकी उर्वरता को भी बनाए रखता है। फॉरेस्ट जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान करता है, जैसे रबड़, लकड़ी, गम, रेजिन और हनी बी, वैक्स, लाख एक प्रकार का वो प्रोडक्ट होता है जिसका यूज हम लोग चूड़ी बनाने में करते हैं, और इसका वनों में बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनका यूज हम मेडिकल के पर्पज़ से भी करते हैं, और उनमें बहुत सारे खाने वाले फ्रूट भी होते हैं जो हमें किससे मिलते हैं? फॉरेस्ट से मिलते हैं। एक फॉरेस्ट में सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ होता है ये कि वो जहाँ भी फॉरेस्ट होता है वहाँ उस जगह को बैलेंस बनाए रखता है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन यानी वनों का कटाव, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई ही डिफॉरेस्टेशन कहलाती है। जो भी
जनसंख्या है बढ़ता जाता है, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो खेत वनों में जाकर उसका उसको चरने लगते हैं, और कृषि और औद्योगिकरण के उद्देश्य से भी उसकी कटाई होती रहती है। और ये सारे कारण किसके होते हैं? डिफॉरेस्टेशन के। डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही गंभीर तरीके से नुकसान पहुंचाता है। जैसे यह जो है ये मृदा अपरदन का एक तरह से कारण बनता है, जिसकी वजह से हवा और बारिश की मात्रा भी बढ़ जाती है, यानी हवा बहुत तेज होता है और पानी भी ज़्यादा गिरने लगता है। सेकेंड है, ये जो वनों में जो भी जानवर रहते हैं वो अपना जब वनों की कटाई होने लगती है तो ये अपने घर को छोड़कर भागने लगते हैं, और वहाँ का टेम्परेचर भी पूरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है उस क्षेत्र का। किसकी वजह से? ये सारे डिफॉरेस्टेशन की वजह से बढ़ता जाता है। और ये जो है पर्यावरण में जो भी प्रदूषण होता है उसको भी उसमें भी वृद्धि हो जाती है, और नेचर में जो भी बैलेंस होता है उसको नुकसान पहुंचाने लगता है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी वनों का संरक्षण, वनों को बनाए रखना और उसका जो रखरखाव होता है इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन। बहुत सारे तरीके हैं जिससे वनों का संरक्षण किया जा सकता है, यानी बहुत सारे तरीकों को अपना कर और उसको ऑब्जर्व करके हम लोग वनों का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट जो होता है उसमें जब आग लगाया जाता है तो उसको रोक देना चाहिए, यानी अगर आग लगाया भी जाता है अपने काम से तो उसको मतलब ध्यान देना चाहिए। और जो भी जानवर हैं जो खेतों को चर जाते हैं या वनों को चरते हैं उनको रोकना चाहिए। और बहुत सारे नर्सरीज भूमि मिलती हैं, यानी जो भी भूमि मिलती है यानी पौधे लगाने के लिए, तो उस पर पौधे ही लगाने चाहिए, ना कि उसका उस भूमि का यूज हम लोग अपने कृषि के उद्देश्य से करने लगे। अगर जब ज़रूरी हो तभी आप लोग पेड़ों की कटाई करना, और जब एक पेड़ कटता है तो उसके जगह पर दो पेड़ या सही तरीके से यानी एक ही रो में लगाना चाहिए। पीपल जो है उनको एडवर्टाइजमेंट रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से उनको ये दिखाना चाहिए कि जो भी वनों का कटाव है उनकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और पौधों को काटना और उनको जड़ से उखाड़ना एक तरह का दंडनीय अपराध बना देना चाहिए, जिससे लोग पौधों को काटना कम कर दें। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।